ये सूट बूट वाले लीडर ना इस टाइम के सबसे बड़े फरेबी है, सबसे बड़े लुटेरे हैं कि आप 30 से 40 हजार रुपया ना लेकर आओ और यहाँ से महीने का 1 लाख से 10 लाख का इनकम जनरेट करो। सीधा सीधी आपको कोई बोलेगा नहीं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, कभी नाम नहीं लेगा कि ये MLM है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, कभी नहीं नाम लेंगे। मतलब तो हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया झूठ का पर्दाफाश करने के लिए। एक ऐसी कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही पॉपुलर कंपनी है और हर कोई वो कंपनी के नाम से इस दौर में डर रहा है कि उस कंपनी में अगर ज्वाइन करेंगे तो हमारा बहुत पैसा वेस्ट होता है और बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैं यार अभी तक यही सोच रहा हूँ कि मैं इतने टाइम से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियो बनाया, लेकिन कभी मेरे जहन में ख्याल ही नहीं आया यार कि एक इतनी बड़ी कंपनी जो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, काफ़ी टाइम से पॉपुलर है ये कंपनी, मैं उसके बारे में क्यों ना अब तक स्टडी किया हूँ। मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ। तो ये कंपनी 2016 से लेकर 2019 तक बहुत ही चर्चों में रहा। और चर्चे में क्यों रहा ये कंपनी, पता है कि बहुत सारे लोगों को झूठ बोल बोल के बुलाया जा रहा था अपनी इंडस्ट्री में, चाहे वो कंपनी झूठ बोल रहे हो, चाहे उस कंपनी के जो लीडर है अपना जेब गर्म करने के लिए लोगों को झूठ बोल बोल कर दूसरे दूसरे एरिया से बुला बुला कर अपने एरिया में उसको फंसाया गया। और वो कंपनी का नाम है गेलवे, गेलवे इंडिया, चाहे उसको गैलेज बोलो, गैलेज इंडिया भी बोलती है, उसके लीडर उसमें जो काम करने वाले जो लीडर है ना वो गैलेज भी बोलती है, गेलवे इंडिया बोलती है। और सबसे ज़्यादा ये इतराते हैं इस बात पे कि ये लीडर लोग बोलते हैं कि हमारी कंपनी वर्ल्ड का नंबर वन कंपनी है। इंडिया का नहीं मेरे दोस्त, वर्ल्ड का नंबर वन कंपनी बोलते हैं कि गैलेज जैसा प्लान किसी का नहीं, गैलेज जैसा प्रोडक्ट किसी का नहीं, और गैलवे जैसी कंपनी में जितने अचीवर है ना इसके इतने अचीवर किसी के पास नहीं है। तो इस तरीके का झांसा दे रहे हैं मार्केट में इनके सूट बूट वाले लीडर गैलवे इंडिया के। तो मुझे याद आ रहा है ये कंपनी का सबसे ट्रेंडिंग सफर किस टाइम रहा है, चाहे उस दौर में कंपनी का नाम हुआ हो, चाहे उसी दौर के बाद कंपनी बदनाम हुई हो। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बात कर रहा हूँ 2016 से लेकर 20 तक का सफर। 2016 से लेकर 20 तक का सफर में क्या होता था कि आपके मोहल्ले में आपके एरिया का कोई भी लड़का, आपके दोस्त रिश्तेदार कोई भी एक लड़का निकल गया दूसरे एरिया में, जो कंपनी का एक ब्रांच होता है, एक बहुत बड़ा ये लोग रूम का हिस्सा लेके रखे हुए हैं, वहीं पर प्रोडक्ट रहता है और वहीं पर सेमिनार होता है, इस तरह के एरिया में आपके पहचान वाले आपके दोस्त वाले निकल जाते हैं कि मुझे बहुत अच्छी कंपनी में मेरे को काम मिल गया है। वो 30 से 35 दिन का ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद हमारी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है ना 12 से 15 हज़ार रुपया मिलता है, खिला पिला के सब कुछ देकर, रूम का भाड़ा वगैरह सब कुछ देकर, सब कुछ काट पीट के हमें 15 हज़ार रुपये देती है कंपनी। इस तरीके का बात बोल बोल कर ना लोगों को बुलाते थे अपने दोस्त और रिश्तेदारों को। बताओ याद आया वो दौर? इस तरह का झांसा देख के आपको किसी ने बुलाने की कोशिश करी है कि नहीं करी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। ऐसा बहुत ट्रेंडिंग में था और आज भी ट्रेंडिंग में है, आज भी बहुत सारे लीडर बहुत सारे लोगों को इस तरीके का झांसा देके बुला रही होती है अपनी कंपनी में, और 6-6 महीना साल साल भर मतलब खाली ट्रेनिंग ही दे रहे होते हैं और बोलते हैं ना कि आप बड़ा पैसा आपको कमाना है ना, आपको मार्केटिंग बहुत हेवी वाला करना है ना, तो आप टीम बनाओ। और सबसे पहले टीम बनाने के लिए एक शर्त रखेगा कि आप 30 से 40 हज़ार रुपया ना लेकर आओ और यहाँ से महीने का 1 लाख से 10 लाख का इनकम जनरेट करो। तो इस तरीके का झांसा देती थी कंपनी गैलवे इंडिया, गैलेज इंडिया, जो बहुत ही चर्चों में था उन दिनों। आज भी और इन दिनों भी कंपनी इस तरीके का झूठ फरेबी वाला बिजनेस कर रहे हैं। अब ये कंपनी के अंदर खामी है या कंपनी के लीडर के अंदर खामी है, ये बात को कोई खुलासा करे तभी ना। तो मैं यही बोलूँगा, खामियाँ दोनों में होती है। ये सूट बूट वाले लीडर ना इस टाइम के सबसे बड़े फरेबी है, सबसे बड़े लुटेरे हैं, जो सूट बूट पहन के आपके एरिया में आ जाएंगे या आपके बच्चों का भविष्य ख़राब करने के लिए आपके मोहल्ले में घुसेंगे और उसे बड़ा बड़ा ड्रीम दिखाएंगे और ड्रीम उसे नहीं दिखाएंगे। वो लीडर है ना, वो सूट बूट वाले जो लीडर होते हैं ना, वो खुद अपना ड्रीम पूरा करने के लिए ना लोगों को झांसा देते रहते हैं, लोगों को अमीर बनाने का ठीका ले रखा है ये लोग, ये लीडर लोग। तो मैं गैलवे इंडिया के बारे में बात क्या करने वाला हूँ, मुझे खुद नहीं पता है, मैं खुद भूल गया हूँ। तो मैं बात यही करने वाला हूँ, ये कंपनी पूरा का पूरा लुटेरा है, चोर है, उचक्का है, जो लोगों को झूठ बोल के झांसा में लाला कर ना लोगों का करियर बर्बाद कर रही है। इंडिया में और भी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी है और बहुत सारे कंपनी काम कर रही है, लेकिन कोई इस तरीके का झूठ बोल के नहीं बुलाते जिस तरीके का झूठ बोल के ये गैलवे वाले बुलाते हैं। और आज भी इसी तरीके का झूठ बोल के बुलाते हैं। तो सीधा सीधी कोई इसका प्लान बताता ही नहीं है, सीधा सीधी आपको कोई बोलेगा नहीं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, कभी नाम नहीं लेगा कि ये MLM है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, कभी नहीं नाम लेंगे। मतलब आप वहाँ जाके फंस जाओगे ना, 2 से 3 महीना जब ट्रेनिंग दोगे ना तो समझ में आएगा, अरे ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है। तो यार नेटवर्क मार्केटिंग में ये कौन सा तरीका है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, लोगों को इस इंडस्ट्री में लाने का कौन सा तरीका है? नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, गैलवे इंडिया है?
और भी कंपनी नहीं है और बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी है जिसके ऊपर मैं बहुत बात कर चुका हुआ हूँ, लेकिन वो कंपनी भी इस तरीके का स्कैम नहीं करती है जो स्कैम ये कंपनी करती है। यहाँ जो लोगों को बुलाते हैं ना, इसको तो पूरा का पूरा झूठ बोल के बुलाया जाता है इस इंडस्ट्री में यार। गेलवे इंडिया कंपनी के जो लीडर है ना, पूरा का पूरा झूठ बोल के बुलाते हैं, कभी सच बताते ही नहीं है। और सच उसे खुद एक दिन पता चल जाता है जब तक बहुत ही देर हो गया रहता है, जहाँ से डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। वहाँ पे आप ये सोचने लगते हैं यार कि कंटिन्यू कर लेता हूँ, आगे फ्यूचर है, ये सूट बूट वाले लीडर है, ये कार से घूम रहे हैं, हाउस है, बंगला है, कार गाड़ी सब कुछ है इनके पास, मैं यहाँ से अगर क्विट कर दूंगा तो यार मेरी ज़िंदगी फिर वही हो जाएगा, 9 से 9 का ड्यूटी करने वाला, 8,000, 9,000, 10,000 की सैलरी पे काम करने वाला, तो कुछ ना कुछ टाइम इसमें देता हूँ और आगे मैं भी घूमते फिरते लाखों रुपया कमाता रहूँगा यहाँ पे। तो जब तक बहुत ही देर हो गया रहता है मेरे दोस्त। तो अगर आप भी यहाँ तक पहुँच गए हो और अब तक यही फैसला कर रहे हो कि क्या करूँ, जाऊँ कि ना जाऊँ, तो मैं यही बोलूँगा कि बेझिझक जहाँ है वहीं पे छोड़ दे और गेलवे इंडिया को मारो धक्का और निकल के दूसरी तरफ अपना करियर बनाओ यारो। बहुत ऑप्शन है आप दुनिया में, आप सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग सब कुछ नहीं दे सकता, बहुत ऑप्शन है मार्केट में। नेटवर्क मार्केटिंग से निकलो और ट्रेडिशनल मार्केट में आ जाओ यार, वहाँ कुछ अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो और बिजनेस ऐसा जो खुद का टीम बना सकते हो, ऐसा भी बिजनेस है यार कि इन लोगों के झांसे में पड़े हुए हो। तो बस दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे कंप्लीट, बाकी ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी आप लोग जहाँ भी हो जैसे भी अपना ख्याल रखना, मिलते हैं फिर एक और धागा वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।